बहुत सुंदर। देखिए बार उन्होंने पहले वाला अभिषेक बनना है, बहुत सारी दिक्कतें आई, वो बड़ी ऑकवर्ड सी होती है। किस दिनों में आप लोग मेरे साथ हो गए? कई बार तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिससे ना बड़ी टेंशन होने लगती है एकदम से। बाय द वे नमस्ते जनता और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। चाबी कहाँ पर है? अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं आया वाला था मम्मी की दवाई लेने के लिए। तो दवाई लेने के बाद क्या होता है कि जब आपके पास फोन नहीं होता ना पेमेंट करने वाला, तो आप घर बोलते हो, और घर बोल के जब तक आ नहीं जाता है ना कंफर्मेशन हो गई है पेड, तब तक के लिए जो वो सिचुएशन होती है दुकानदार और कस्टमर के बीच में वो बड़ी ऑकवर्ड सी होती है। वैसे अभी मैं था मॉल टाउन की तरफ, जो पाइपत वाले है वो जानते हैं इस पार्क के बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे घर। घर जाने के बाद हमें पहले शायद दुकान जाना पड़ेगा, और आज से मैं डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ। हाँ, आज से कब तक डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ, कब उसका एंड होगा, ये सीरीज एक चलाऊंगा मैं। सीरीज का नाम अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मे बी शायद जब आप देख रहे होगे ब्लॉग तब आपको नीचे टाइटल में मिल चुका होगा इसका नाम। साढ़े बारह घर माता की जी। वैसे एक्सपेक्टेड ये होता ना कि दुकान सुबह खुल जाए, लेकिन क्योंकि अभी कितने काम पड़ रहे हैं मेरे पास, तो अभी भी जैसे मैं फ्री हुआ, अभी मैंने खाना खाया और अब मैं दुकान के लिए जा रहा था। टाइम बच चुके हैं तो जितना टाइम मिल पा रहा है उतना खोल रहे हैं। चाबी फिर भूल गया मैं, चाबी ऊपर ही भूला लगता है। तो अभी मैं यहीं पर रुका था फाटक के पहले, क्योंकि फाटक पे मेरे ख्याल से अभी क्लोज कर रखा है वो। ट्रेन आ रही होगी, देखो ट्रेन अभी क्रॉस करेगी तब हम लोग क्रॉस कर पाएंगे। पहले एक बार शॉप के अंदर चलते हैं, फिर कुछ बात करूंगा मैं आप लोगों से। भाई यार 15-20 मिनट हो गया यार अभी तक नहीं खुला। वहाँ पे मेरे ख्याल से ना काम चल रहा है, इस वजह से बंद कर रखा है ये। कंफर्म करते हैं एक बार चल के, खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। वे खुलेगा नहीं क्या अभी? दो दिन के लिए बंद है। अच्छा वाह, पूछ लिया मैंने, देखा दो दिन के लिए बंद रहेगा ये। ठीक करते होंगे कुछ इसमें, चलते हैं। दूसरा रास्ता भी है एक, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा दूर जाके है, वापस जाना पड़ेगा। देख रहे हो ऐसे कुछ भी रैंडम चीजें हो जा रही है मेरे साथ, और इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग से पता है कि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से अब मम्मी एक महीना हो चुका है उस चीज को, बहुत हद तक रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेडिकेशंस चल रही हैं उनकी। तो इंश्योरेंस के अंदर मम्मी का वो हुआ था इलाज। पापा जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी में इंश्योरेंस के थ्रू, जो कि पूरे सारे एम्प्लॉयज का बना होता है, उसके थ्रू मम्मी का वो हुआ था। सबसे पहले हॉस्पिटल जहाँ पे वो एडमिट थे वहाँ पर वो इंश्योरेंस नहीं काम आया। उसके सारे बिल्स लेकर मुझे सबमिट करवाने थे ESI हॉस्पिटल में, तो वो सबमिट करवाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लेकिन स्टिल क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को काम करना है, हम लोगों ने किस तरीके से सारा कुछ अरेंज किया, अब सिर्फ स्टैंप लगना रह गया, होपफुली वो होके सही तरीके से हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरी लाइफ में सिर्फ लाइफ है मेरे पास, इसी चीज में मेरे को खुशी है बस, उसके अलावा मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं बहुत प्रिविलेज मानता हूँ अपना इस चीज को कि मैं ब्लॉग करके इस चीज को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो मैं करूंगा और मैं आप लोगों को हंसता हुआ दिखूंगा। इस चीजों के अलावा मेरी कैपेसिटी चीजों को सहने की पहले भी काफी थी और अब और थोड़ी बढ़ चुकी है। और इस सीरीज के बारे में जो मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, जो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं, वो सीरीज आप लोग स्पेशली देखोगे, क्योंकि मैं पानीपत हरियाणा में रहता हूँ और यहाँ पर इन दिनों में दशहरा से पहले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल होता है। तो ठीक है, मैं इसके बारे में आप लोगों को ब्लॉग के एंड तक बताऊंगा। ब्लॉग स्किप करके मत देखना, अच्छा से देखना, पूरा स्टोरी का मजा लो। एक और चीज है, कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको म्यूजिक भी बड़ा हेल्प करता है। मेरे को क्या लगता है, वैसे प्रूवन भी है कहते हैं, बहुत बार म्यूजिक का भी सहारा लेता हूँ, गाने सुनता रहता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मेरे जो आसपास वाले वो जानते हैं, मैं बहुत मतलब ये मोस्टली लगे रहते हैं। बाकी अभी शाम हो चुकी है यहाँ पर, देखो तो आप रात के 7 बज चुके हैं, 7 से प्लस ही हो गया, और हम लोग अभी चलेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है वो बिल्स पे स्टैंप वगैरह लगवाना है, एक बिल उठाना है। आज एक फॉर्म है, फॉर्म पे ना हमारे को मेडिसिन का सारा नाम लिखना है एक एक करके। जब मैं वो लास्ट बिल उठाऊंगा तब मेरे पास टोटल सारी दवाइयाँ आ जाएंगी, उसका मैं फोन पे नाम लिख के फिर स्टैंप लगवा सकता हूँ। तो शायद मैं बिल आज उठा लूंगा, फिर स्टैंप भी ट्राई करूंगा आज ही। आ गया कई लोगों की तो दिवाली, क्योंकि फाटक यहाँ से बंद है तो जाना पड़ेगा 1.5-2 किलोमीटर उल्टा लेके। इमरजेंसी आई थिंक आज से 1.5 महीने पहले का एक ब्लॉग था जिसमें मैंने कहा था मुझे पहले वाला अभिषेक बनना है जो रेगुलर मंदिर जाता था।
मैं मम्मी के लिए जूस और पनीर देने के लिए आया था। देखिए बार रौनक जिसकी मैं बात कर रहा था, इसी के बारे में मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। हाँ जी हाँ जी, जो कल आपसे बिल पूछे गए थे। ठीक है, तो फाइनली जो लास्ट बिल देना था वो बिल भी ले लिया। अब कल मेन फाइनली जो स्टैंपिंग वाला काम है वो खत्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद होना चाहिए बात खत्म, लेने तो है इन द एंड, बस ये देखते हैं कि कोई मुसीबत ना आए। अभी मैं ये जो स्पेशल प्रसाद है ये हर दिन महाराज मेरे को स्पेशली देते हैं, क्योंकि मम्मी के लिए मैंने बोल रखा है आप दिया करो। जो स्वरूप और जो हमारे महाराज है उन सबको धीरे 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 मैं मिलाऊंगा ब्लॉग्स के थ्रू। तो इस सीरीज का नाम अभी तक मैंने सोचा है, मैं सीरीज जब आप ये लोग देखोगे तब मैं नीचे डाल चुका हूँ। अभी तो डे वन है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग दोबारा बाहर जाने वाले एक बार। मेरे बाल ना मैंने कल शैम्पू किया और आज धूल में गंदे हो गए बहुत ज्यादा। ये इतना उदास क्यों है? क्या इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग चुकी है? कमेंट बॉक्स में पूछो इससे। बस अभी हम लोग थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं, फिर मैं आपको जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम लोग ब्लॉग को एंड करेंगे। रुकना, ये एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए जरूरी है, आगे वाले ब्लॉग्स में आपको काम आएगी। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या कुछ है। अभी जस्ट मैं बाहर निकला था तो मैं भूल गया था ये बिल जो है ना, जिस बिल को हम लोग लास्ट में लेने के लिए गए थे वो बिल मैं भूल गया था मानसू के पास, तो मैं भी वो बिल लेके आ गया। रात के 12 बज चुके हैं, पूरा सन्नाटा है। ये सामने जो छत की ना वैसे वो भी हटा दिया लोगों ने। अभी पिछले कम से कम एक हफ्ता पहले मैं ना दुकान के अंदर बैठा हुआ था और मैं एकदम से ही बाहर निकलता हूँ, रात को 7:30-8 बजे की बात है, बाहर निकलता हूँ और मेरे को ना ऐसी ठंडक थोड़ी महसूस होती है। फिर उसके बाद से अब तक हर दिन धीरे धीरे ठंड बढ़ी और अब तो काफी हो जाती है भाई, 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बताने वाला था, दशहरा से कुछ 40 दिन पहले हमारे यहाँ पर व्रत पर बैठते हैं कुछ लोग और जो स्वरूप आप लोग देखते हो उसे 4 दिनों के लिए उठाया जाता है, जो कि दशहरा से 2 दिन पहले, दशहरा दिन और दशहरा के अगले दिन। पहला दिन, दूसरे दिन इन दोनों का कोई नाम नहीं होता, तीसरे दिन होता दशहरा और चौथे दिन होता है रास तिलक। तो इन दिनों में यहाँ मूर्ति को उठा के पूरा ढोल डीजे और ताशा वगैरह, मतलब बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से पूरा पानीपत, मुझे तो पानीपत का पता है और भी कुछ जगह पर उठती है मूर्तियां, ये इनको मूर्ति कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। जहाँ पर हम लोग रुकते हैं सभा जो होती है, जो मान लो एक स्वरूप है, एक स्वरूप के ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे मंदिर में हमारा जो सामने वाला मंदिर है उस मंदिर में श्री राम सेवा दल हमारी बहुत पुरानी सभा है, जिसके महाराज हैं जी, उनकी जो चलती हुई आ रही सभा है वो मूर्ति है। हमारी सभा 40वें 41वें बैठती है, मतलब एक दिन का होता है 21वां 41वां, ऐसे होता है 41 डेज का होता है, 21 का होता है, 11 का होता है। तो अभी 21वां दिन है, अब से रेगुलर लोग आने वाले हैं जब तक कि रास तिलक नहीं कंप्लीट हो जाता। रास तिलक कंप्लीट करने के बाद हम इस सीरीज को एंड करेंगे। इस सीरीज का आज पहला दिन था, इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। आज आपने देखा ना कितनी रौनक थी, अब तो जितने दिन कम हो जाएंगे रौनक और बढ़ती जाएगी और उन 4 दिनों के अंदर आप लोग यहीं से जुड़ जाओ, ताकि वो 4 दिन जब मैं वो होलसम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ पूरी फीलिंग्स के साथ, तो आप लोगों को भी बैक ऑफ द पूरी स्टोरी पता हो, ताकि आप लोग रिलेट कर सको। बाकी आप लोग को देखने में ये सीरीज बहुत मजा आएगा, जुड़ के रहना। मैं थोड़ी अपनी लाइफ से रिलेटेड भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कि मैं पूरा दिन सभा में नहीं रह सकता, घर पे मम्मी का वो कंडीशन है, इस वजह से मेरे को दोनों चीजें मैनेज करनी है, अपनी लाइफ भी मैनेज करनी है और ये चीज भी मैनेज करनी है, ताकि आप लोगों का मनोरंजन हो सके और मेरा माइंड फ्रेश भी हो। हर साल मैं जाता ही हूँ, इस साल भी जाएंगे, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि इस साल आप लोग भी मेरे साथ हो गए। ये ब्लॉग भी बहुत सुंदर सा है, इस ब्लॉग को भी देखने के लिए यहीं पर क्लिक कर लेना और कोई भी ब्लॉग मिस मत करना। कोई नया यूजर है आओ जय श्री राम करके सब्सक्राइब बटन दबा दो, हम लोग जुड़ते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, कमेंट में जय श्री राम लिख दो। हम लोग मिलेंगे अगले दिन, टिल देन सी यू, गुड नाइट, जय श्री राम।